नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इंफिनिटी नॉलेज में तो दोस्तों तालिबान की तरफ से पाकिस्तान की सेना को धमकी दी गई है और कहा गया है कि अगर ड्यूरेंट लाइन को क्रॉस करने की कोशिश पाकिस्तान ने की तो हम पाकिस्तान की सेना के खिलाफ जंग बोल देंगे और दोस्तों हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले है की दोनों देशों के बीच ऐसा क्या हो रहा है जिस वजह से तालिबान पाकिस्तान को धमकी दे रहा है और दोस्तों साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि लाइन कब बनी थी तो दोस्तों हुआ कुछ ऐसा है कि की लाइन को लेकर अब तालिबान और पाकिस्तान के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है और तालिबान की की तरफ से पाकिस्तान सेना को धमकी दी गई है और कहा गया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से सीमा का उल्लंघन करने की कोशिश की गई तो हम यहूदियों से ज्यादा पाकिस्तान की सेना से लड़ना पसंद करेंगे और तालिबान की तरफ से पाकिस्तान पर यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान की सीमा में तार लगाए जा रहे हैं और इसी बात को लेकर दोनों ही देशों के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है तो दोस्तों आपको बता दें कि ड्यूरेंट लाइन को अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा कहा जाता है दोस्तों आपको बता दें कि ड्यूरेंट लाइन बनी कब थी तो दोस्तों दूसरे अफगानिस्तान युद्ध के खत्म होने के करीब दो साल बाद यानी कि 1890 में जब अब्दुल रहमान को अफगानिस्तान का राजा बना दिया गया था उस टाइम ब्रिटिश फौज ने अफगानिस्तान के बहुत से एरिया पर अपना कब्जा जमा लिया था और उसके बाद अंग्रेजों ने अब्दुल रहमान को वहाँ का राजा बना दिया था जिसके बाद बारह नवम्बर 1893 में, में ने इस इस लाइन लाइन को को बनाया था और और से ही इस लाइन को पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर माना जाता है और दोस्तों उस दौरान जब ये लाइन बनी थी जब पाकिस्तान नहीं था उस दौरान भारत से अफगानिस्तान को अलग करने के लिए ही इस डन लाइन को बनाया गया था और अब दोनों ही देशों को ने इस लाइन को लेकर विवाद खड़ा करना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान की तरफ से इस लाइन को क्रॉस करने की कोशिश की जा रही है और इसी बात को लेकर अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को धमकी दी जा रही है कि अगर आपने इस सीमा को लांगने की कोशिश की तो हम आपके खिलाफ जंग का ऐलान कर देंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अ गुड डे